टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ये कि मुंबई के एक बिजनेसमैन के कहने पर लोकसभा में सवाल पूछे गए और ऐसे सवाल पूछने के बदले कैश और गिफ्ट दिया गया। महुआ मोइत्रा ने इन आरोपों पर तीखी नाराजगी जाहिर करते हुए पलटवार किया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है वो मुंबई का बिजनेसमैन। इसके अलावा इस मामले में अदानी ग्रुप की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया है। क्या है पूरा मामला, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस सवाल की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुंबई के एक बिजनेसमैन के कहने पर महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में सवाल पूछे। सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन से महुआ मोइत्रा ने पैसे और साथ में गिफ्ट भी लिए। निशिकांत दुबे का दावा है कि वकील जय अनंत देहाद्राई ने उनको इस बाबत सबूत भी दिए हैं। अब सबसे बड़ा अपडेट ये आया है कि गौतम अदानी ने इस पर करारा जवाब दिया है। लेकिन पहले हम निशिकांत दुबे के आरोपों की चिट्ठी की पूरी बात आपको बताते हैं। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के आरोप के मुताबिक महुआ मोइत्रा ने 2019 से 2023 के बीच संसद में कुल 61 में से करीब 50 ऐसे सवाल पूछे जो कि सुरक्षा से जुड़े थे। ये मामला बेहद गंभीर है, जो कि पैसे के बदले संसद में सवाल पूछने से जुड़े 12 दिसंबर 2005 के कैश फॉर क्वेरी प्रकरण की याद दिलाता है। इसमें 11 सांसदों की सदस्यता चली गई थी। जब भी सदन चला तब महुआ और सौगत रॉय हमेशा सदन डिस्टर्ब करते रहे। इसके पीछे मकसद था कि सरकार के जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने से रोका जा सके। अब सबूत आ गए हैं कि सवाल के बदले पैसे और उपहार लिए गए, तो वो बेनकाब हो चुकी हैं। स्पीकर इस मामले में एक जांच कमेटी बनाए। जब तक कमेटी की जांच पूरी नहीं होती तब तक महुआ को लोकसभा की सदस्यता से सस्पेंड रखा जाए। निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्पीकर को भेजे शिकायत पत्र में कहा है कि ये विशेष अधिकार हनन, सदन की अवमानना और आईपीसी की धारा 120A के तहत अपराध है। निशिकांत दुबे ने जिस बिजनेसमैन से पैसे और गिफ्ट लेन देन के आरोप लगाए उस बिजनेसमैन का नाम है दर्शन हीरा नंदानी। कौन है दर्शन हीरा नंदानी और क्या है, ये हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएंगे। उससे पहले इन आरोपों पर महुआ मोइत्रा के पलटवार की बात कर लेते हैं। महुआ मोइत्रा ने इन आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने निशिकांत दुबे द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए एक्स पर लिखा, एक कॉलेज विश्वविद्यालय खरीदने के लिए अपनी गलत कमाई और उपहारों का उपयोग कर रही हूं, ताकि डिग्री दुबे एक असली डिग्री खरीद सके। लोकसभा स्पीकर कृपया झूठे हलफनामे के लिए उनके खिलाफ जांच पूरी करें, फिर मेरी जांच के लिए कमेटी गठित करें। फर्जी डिग्री वाला और अन्य के खिलाफ विशेष अधिकारों के उल्लंघन के मामले लंबित हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई के तुरंत बाद मेरे खिलाफ किसी भी प्रस्ताव का स्वागत है। मैं अडानी कोल स्कैम को लेकर भी मुकदमा दर्ज होने का इंतजार कर रही हूं। अब सवाल उठता है कि कौन है दर्शन हीरा नंदानी जिन पर लगे हैं टीएमसी सांसद को रिश्वत देने के आरोप। देश में रियल एस्टेट के बड़े कारोबारियों में शुमार होने वाले निरंजन हीरा नंदानी के बेटे हैं दर्शन हीरा नंदानी। दर्शन हीरा नंदानी जल्द ही हीरा नंदानी ग्रुप के सीईओ बनने वाले हैं। हीरा नंदानी समूह का ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिजनेस है। हीरा नंदानी ग्रुप ने इंफ्रा और ऊर्जा के उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी बोली लगाई थी जो अदानी ग्रुप समूह को मिला था। इसके अलावा हीरा नंदानी समूह ने साल 2014 में धामरा पोर्ट के लिए भी बोली लगाई थी, जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट भी अदानी ग्रुप को ही मिला था। इस तरह अदानी और हीरा नंदानी के कारोबार के कुछ मामलों में कंपटीशन बना रहा है। अब इस मामले में अदानी की तरफ से रिएक्शन आया है।
ग्रुप के प्रवक्ता ने बयान जारी कर अपने उस पुराने बयान का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि घरेलू से वैश्विक स्तर पर एक खास वर्ग अदानी ग्रुप की छवि धूमिल करने में लगा है। यह घटनाक्रम 9 अक्टूबर 2023 के हमारे बयान की पुष्टि करता है कि खुद समूह और व्यक्ति हमारे नाम प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए ओवर टाइम काम कर रहे हैं। इस विशेष मामले में वकील की शिकायत से पता चलता है कि अदानी समूह और हमारे चेयरमैन गौतम अदानी की प्रतिष्ठा व हितों को धूमिल करने की ये व्यवस्था 2018 से लागू है। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजनीति में अब ये नया मुद्दा उठ गया है और मामला गर्म है। किसके आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पर क्या नया अपडेट सामने आता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी फीडबैक जरूर दें। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।